नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्जाम प्री रेडियो चैनल पर। फ्रेंड्स, पर आरपीएफ 2020 की न्यू वैकेंसी, जी हां दोस्तों, नई भर्ती का आप सभी का यहां पर बहुत ही बेसब्री से इंतजार है। तो ऐसे में दोस्तों, आप सभी लोगों के लिए यहां पर बहुत ही बड़ी खबर निकल के आ चुकी है। जी हां दोस्तों, आप सभी के लिए यहां पर बिग अपडेट क्या रहने वाली है, कब से आपके आवेदन जो है शुरू होंगे, आप सभी लोगों के यहां पर हम जानकारी देने वाले हैं। तो दोस्तों, आप सभी लोगों को जैसा कि मालूम है, 11,000 पदों पर आपके यहाँ पर आरपीएफ में जो नई भर्ती है वो आने वाली है, जिसमें आपके कांस्टेबल और एसआई इन दोनों के ही पद रहने वाले हैं। तो अगर आपने यहाँ पर 10वीं कम से कम कर रखा है तो आप इस वीडियो में पूरा का पूरा बने रहिएगा। ऑल इंडिया के मेल और फीमेल के लिए यहां पर जो है बहुत ही बड़ी खुशखबरी दोस्तों ये रहने वाली है। तो पूरी जानकारी पाने के लिए वीडियो में बने रहिए लास्ट तक। इससे पहले वीडियो को स्टार्ट करें, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा, और अपने सभी दोस्तों में अगर वीडियो पसंद आती है तो इस बार एक शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। कम से कम 2 दोस्तों में अपने वीडियो को जो है शेयर अवश्य कर दीजिएगा, ताकि सभी तक पूरी जानकारी पहुंच जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे तो पहले आप लोगों को यहाँ पर मैं दिखाना चाहूँगा कि ये सरकारी एग्जाम का मैंने यहाँ पर आर्टिकल खोल के रखा हुआ है, ठीक है। और आप सभी को यहाँ पर इसके बारे में बहुत ही भली भांति मालूम होगा कि यहाँ पर अगर किसी जॉब के बारे में अगर बताया गया है तो वो 100% यहाँ पर पूरी तरह से करेक्ट होती है, उसमें किसी भी प्रकार की यहाँ पर जो है त्रुटि यानी कि एरर होने का कोई संभावना नहीं होती। सरकारी एग्जाम काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर जाना माना एक वेबसाइट है, और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लोग इसको सर्च भी करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों, आप सभी की यहाँ पर नई भर्ती के संबंध में पूरी जानकारी दी गई है। क्या जानकारी, चलिए हम आप लोगों को बता देते हैं। बहुत ही बड़ी खबरी है, और आपसे हम एक बार बोलना भी चाहेंगे कि आप इस वीडियो को एक बार शेयर अवश्य कर दीजिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमें आप लोगों को यहाँ पर बताना चाहेंगे, आप यहाँ पर देख सकते हैं आरपीएफ कांस्टेबल एसआई न्यू रिक्रूटमेंट न्यू वैकेंसी ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्टिंग सून 2020। तो दोस्तों, यहाँ पर बहुत ही जल्दी आप लोगों के ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है शुरू हो सकते हैं। ये दोस्तों आपसे बता दें, जो आर्टिकल यहाँ पर छापा गया है यानी कि यहाँ पर जो पब्लिश किया गया है, ये हाल में ही अपडेट किया गया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं 10 मार्च का ये अपडेट किया हुआ आर्टिकल है, पूरी तरह से ट्यूजडे यहाँ पर डे भी यहाँ पर लिखा हुआ है। अब यहाँ पर दोस्तों हम नीचे आते हैं, तो आप लोगों को हम दिखाना चाहेंगे आरपीएफ रिक्रूटमेंट 2020 पोस्ट नेम यहां पर आपकी जो रहने वाली है कांस्टेबल और एसआई यानी सब इंस्पेक्टर के यहां पर पद जो हैं रहने वाले हैं। कितने पद रहने वाले हैं, तो आप यहां पर देख सकते हैं कुल मिलाकर 11,000 पद रहने वाले हैं। हालांकि यहां पर दोस्तों 11,000 पद यहां पर भी कुछ कहना संभव नहीं है, क्योंकि जो पद हैं वो लगभग यहां पर 19,000 से ऊपर ही खाली पड़े हैं। आप सभी को मालूम है यहां पर कैग की रिपोर्ट आई थी, कैग यानी कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, इसके द्वारा यहां पर जो 2019 के लास्ट में बताया गया था वही दिसंबर के टाइम पे कि यहाँ पर जो पद हैं लगभग 19,000 के अप्रोक्स जो हैं खाली पड़े हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर कब इसकी भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी कैग की ओर से यहाँ पर जानकारी नहीं दी गई थी, लेकिन यहाँ पर एक आदेश जरूर दिया गया था आरपीएफ को कि जो भर्ती है ये जल्दी से जल्दी इसको पूरा करवाया जाए। तो ऐसी संभावना है कि 19,000 तो पद नहीं रहने वाले हैं, लेकिन हाँ, आपके 11,000 के लगभग आपके पद जो हैं नई भर्ती में रह सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पर हम एज लिमिट की बात कर लेते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं 18 से 25 वर्ष की आपकी इस नई जो भर्ती रहने वाली है 11,000 की, इसमें आपकी यहाँ पर एज लिमिट रखी जाएगी। तो यहाँ पर दोस्तों मैं नहीं कह रहा हूँ, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं सरकारी एग्जाम का ये आर्टिकल है, जहाँ पर पूरी जानकारी आप लोगों को दी गई है। जैसा कि आप लोग मालूम है, ये ऑल इंडिया की वैकेंसी होती है, और यहाँ पर आपकी कांस्टेबल पद के लिए केवल और केवल 10वीं पास यहाँ पर मांगा जाता है, ठीक है। और इंस्पेक्टर पद के लिए यानी कि सब इंस्पेक्टर पद के लिए आपको यहाँ पर ग्रेजुएशन पास होना अनिवार्य रहता है। तो देखिए, अब आपको यहाँ पर हम बता देते हैं मेन पॉइंट कि आपके आवेदन जो है आखिर शुरू कब से हो सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर इंपॉर्टेंट डेट्स में यहाँ पर बताया गया है कि स्टार्टिंग डेट जो है आपके यहाँ पर जुलाई 2020, ठीक है। तो देखिए, जो जुलाई होती है, जुलाई या फिर जून, इन दो महीनों में ही आप लोगों की जो आरपीएफ होती है, ये जो अपना कोई भी रिक्रूटमेंट होती है उसके एप्लीकेशन जो है वो रिलीज करती है। तो यहाँ पर दोस्तों, आप सभी के जो आवेदन है ये जुलाई 2020 में 110% आपके यहाँ पर शुरू होने वाले हैं, और यहाँ पर ऐसी संभावना है कि आपके यहाँ पर 1 जुलाई से ही आपके यहाँ पर जो है आवेदन शुरू हो जाएंगे। तो अगर आप अपनी तैयारी में लगे हैं, लगे रहिएगा, और उसको स्किप जरा भी करिएगा, क्योंकि यहाँ पर अगर आप तैयारी एक बार छोड़ देते हैं तो बाद में उस तरह से फिर आपका जो तैयारी है वो नहीं हो पाती है। तो मेल और फीमेल इन दोनों के लिए यहाँ पर कांस्टेबल और एसआई दोनों के लिए पद जो है वो रहने वाले हैं, और इस बार नई भर्ती में आपके 50% तो पद भी यहाँ पर आपके महिलाओं के लिए जो है रिजर्व रहने वाले हैं। तो देखिए, अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि आपकी जो हाइट होती है कितनी रखी जाती है, यानी फिजिकल एलिजिबिलिटी होती है वो कितनी मांगी जाती है। तो यहाँ पर आपको बताना चाहेंगे कि अगर आपकी एससी एसटी कैटेगरी है तो आपके यहाँ पर 160 सेंटीमीटर अगर हाइट है तो आपको यहाँ पर आवेदन करने के लिए जो है मौका वो मिलेगा। इसके अलावा अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं तो आपको यहाँ पर 165 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए। तो दोस्तों, ये पूरी जानकारी आप लोग यहाँ पर हमने दे दी है। अगर आपने हमारे नए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जो है अवश्य कर लीजिएगा। सरकारी नौकरी नाम से आपका एक नया चैनल बना दिया गया है, जहाँ पर आपको 10वीं 12वीं और ग्रेजुएट लेवल की वैकेंसीज की अपडेट्स सबसे पहले आपको यहाँ पर मिलती रहेंगी। इसकी लिंक जो है हमने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है, आप इसे सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, ठीक है। ये आप ही के फायदे के लिए हम बता रहे हैं। तो दोस्तों, ये थी पूरी जानकारी, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। तो अपने दोस्तों में एक बार इस वीडियो को शेयर अवश्य कर दीजिएगा, ताकि सभी तक पूरी जानकारी पहुंच जाए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।